क्या चाहिए? यहाँ पे रूम के लिए बात हुई थी ना आपसे। किससे? कोई खान है ना यहाँ। कौन खान? यहाँ का केयरटेकर। आप कौन? जय। अरे साहब, मैं वो वहां से लाता हूँ सामान। ठीक है, आप चलिए साहब। वाह यार, क्या मस्त जगह है, सच में मजा आ गया है ना। जगह तो मस्त है, पर खाने पीने के अलावा करेंगे क्या, वो समझ में नहीं आ रहा। क्यों राखी? अब बॉस लाया है तो वही बताएगा। अभी आए हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर बात करते हैं क्या क्या करना है। फिलहाल सब अपनी अपनी जगह पकड़ो। ये ले, चल चल, घूर मत।
छोड़ना यार, आजा अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर सोचेंगे। यार चलना, अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मुझे पता तुझे नहीं आना था, अब आ गए तो एटलीस्ट एंजॉय करना, चल 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 चल। क्या अच्छा चलो अब ये बताओ क्या प्लान है आगे का, यहां तो आ गए। प्लान्स का क्या है, प्लान्स तो बनते रहेंगे। चुप कर तू, जब देखो बस एक ही काम है तेरे पास। कौन बता रहा है, जो लाया है वो बताएगा। लाया है वो बताएगा, साला आना किसको था इस फालतू जगह पर। यार तुम ना सुबह से अपना मुंह सड़ा के बैठे हो, नहीं आना तो ना आते, जबरदस्ती तुम्हें किसी ने खींचा था क्या आने को? जबरदस्ती तो कोई किसी को वैसे भी नहीं खींच सकता, करेक्टर ना बॉस। खैर हम सबको यहाँ जय भाई लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये राज खोल देना चाहिए। तुम सबको एडवेंचर चाहिए था ना, वेलकम टू द जंगल। साला ओवर एक्टिंग। क्या बोला, ये होशियारी अपने पास रख समझा, वरना वरना क्या कर लेगा, इनके लिए होगा तू बॉस, मेरे लिए कोई बॉस बॉस नहीं है, इसलिए अपनी हद में रहे और अपनी जो स्टाइल है ना अपने घर वालों के सामने झाड़ना, समझा? बहुत हो गया, आज साले का मुंह तोड़ दूंगा। मत करो यार। यार तुम हद होगी यार, तुम यहाँ लड़ने आए हो कि घूमने आए हो? दीपक यार माना तुझे नहीं आना था, बट एटलीस्ट अब तू आ गया है तो चुप करना भाई। हाँ यार अब प्लीज यहाँ का मजा मत खराब करो, तुम सब आराम से बैठो, मैं गाना सुनाऊंगी और मैं गिटार बजाऊंगा। चलो गाना गाते हैं। नहीं साहब, गाड़ी अच्छी है। हाँ पता है। चलो वापस। क्या बात है बॉस, आज सुबह सुबह अलग ही मोड में दिख रहे हो, नींद नहीं आई क्या रात को? नहीं यार, एक बात बता, रात को तुझे कुछ सुनाई दिया था क्या? क्या
कुछ घुंघरू की आवाज या समथिंग। नहीं तो चल छोड़। क्या सोच रहे हो यार? रात को ना मुझे किसी की घुंघरू की आवाज सुनाई दी, समझ में नहीं आ रहा वो सच में थी या नहीं। सच में सुनी थी साहब। चाय। यकीन नहीं हो रहा ना, पर अभी तो आप लोग यकीन करने की कोशिश कर रहे थे। खैर मैं बताता हूं आपको कि आपने रात को क्या सुना था। यहां आगे थोड़ी ही दूर एक गांव है सर नाम का। पिछले कई सालों से वह गांव एक चुड़ैल के कारण सबसे कटा हुआ है। चुड़ैल? हाँ चुड़ैल, लोग उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई उसे चुड़ैल कहता है तो कोई डायन, हमारे यहां उसे डाकन कहते हैं मैम साहब। है, पर ये सब तो किस्से कहानियों की बातें हैं। किस्से भी असली हैं और कहानियां भी, क्योंकि चुड़ैल भी असली है साहब। पिछले कई सालों से ये गांव एक डायन के कब्जे में है, और जो कल रात आपने आवाज सुनी वो उसी चुड़ैल के पैरों की थी। जब भी वो यहां आती है पूरा गांव बंद हो जाता है, एक भी गांव वाला बाहर नहीं दिखता। पर वो गांव में आती क्यों है? शायद किसी की तलाश में। जब से वो इस गांव में आई है किसी भी नए आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो किसी गांव वाले का रिश्तेदार हो या आप ही की तरह कोई बाहर से घूमने आने वाला, उसके लिए तो सबका मरना तय है। पर बॉस को उसकी आवाज क्यों सुनाई थी? हम कोई गांव में थोड़ी हैं। उस गांव में नहीं पर उस गांव के बॉर्डर पर तो हो। यहां आगे कुछ ही दूरी से वो गांव शुरू होता है। और साथ ही शुरू होता है उस चुड़ैल का इलाका। इतने सालों से कोई नहीं गया ना उस गांव में, तो बस फिर हम जाएंगे उस गांव में। ये की ना तूने मर्दों वाली बात, हालांकि तो कभी करता नहीं है। चल मैं तेरे साथ हूं। नाना ये फालतू के पंगों में मत पड़ो तुम लोग, ठीक है ना? यहाँ पे घूमने आए, घूमो और निकलो यहाँ से, सिंपल बस। अरे मैं नहीं जा रहा यार। अबे ओ ए ओ रुक तो जा। क्या है यार तेरी ना फटती बहुत है, जैसे अभी वो आएगी और तुझे उठा ले जाएगी। अरे है तो एक औरत ही ना, उठा ले भी जाएगी तो मजे कर लेना। बेफालतू की बकवास मत कर, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अबे चल। तो बताओ कौन कौन चलने के लिए रेडी है?
अब सोच लो, यहाँ पर बैठकर फालतू दो दिन गुजारने हैं या फिर कुछ हॉरर हो जाए। अरे देखे तो सही कि वो जो कह रहा है वो होता है या नहीं, हैं? क्या बोलते हो? भैया एक बात बताओ, इन गांव वालों को पता कैसे चलता है कि डायन आने वाली है? ये हुआ गुड क्वेश्चन। हीरा। हीरा? हीरा बताता है सबको। अरे हीरा जीरा जो भी हो, जाके मिलते हैं ना उससे गांव में। बोलो क्या बोलते हो? ओके आई एम रेडी। एंड मी टू। ओके पर एक दिन बस। यस। ओए क्या? नहीं मैं नहीं। प्लीज राहुल, हम सबके लिए प्लीज। आई डोंट थिंक सो कि हमें वहां जाना चाहिए यार। अरे यार तू लड़का होके डर रहा है, हम लड़कियां रेडी हैं और तू है कि ना ना ना। अरे चलेगा मेरा दोस्त, बोल चलेगा ना? हाँ ठीक है पर एक दिन के लिए। हाँ और वो भी सिर्फ तेरे लिए। गलती कर रहे हो साहब, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अबे तो चुप कर, पहले तो खुद सुना था सब कहानियां फिर बोलता है मत जाओ। अबे कौन होगा जो इतना अच्छा मौका हाथ से जाने देगा। और सुन, तू भी चलेगा हमारे साथ, समझा? मैंने साहब आपको जो करना आप करें। अरे हमारे लिए गांव वालों से बात। मैं नहीं साहब, मैं नहीं। मुझे मत घसीटो साहब इन सब में, मुझे मत घसीटो। अरे गांव वालों से बात कौन करेगा हमारे लिए? मैं नहीं। ओए ये देख, बस एक दिन की बात है, वापस आते ही सारे पैसे तेरे। ऐश करना फिर है? यहीं से गांव शुरू होता है। वेलकम टू सर। सर चले। आजा। खम्मा गणेश आ रहा नू। इतना साला सया कोई बार वाला नहीं आया, तुम लोग कौन हो? निकल जाओ यहाँ से। अरे अठे काम काज रहे सिलसिले में आए थे साहब लोग, बोले थोड़ा गांव देख लेते हैं, शायद कुछ बिजनेस रहा आसार दिख जावे। अरे कौन सा बिजनेस, यहाँ से हटो। हाँ हाँ बिजनेस। नमस्कार मेरा नाम नताशा है। हम सब लोग यहाँ ये देखने आए हैं कि जो फैक्ट्री हम यहीं आगे शुरू करने वाले हैं उसके लिए अगर गांव के कुछ लोग मिल जाते तो आप लोगों को भी रोजगार मिल जाता और हम लोगों को काम करने वाले लोग। शायद तुमने यहाँ की वास्तविकता नहीं सुनी,
मत पड़ो इन चक्करों में मेम साहब, निकल जाओ यहाँ से, सबका भला होगा। अरे ऐसे कैसे? और रही बात उस डायन की कहानी की, तो ऐसा है हम नहीं डरते किसी से। ए लड़की, शायद तुझे अंदाजा नहीं है कि तू क्या बोल रही है। तुम सबके आने की खबर तो उसको कब की लग चुकी होगी। एक मौका देता हूँ, रात होने से पहले निकल जाओ, वरना वरना क्या है वो तुम लोगों की मन से बनाई चुड़ैल, वो आकर हमें खा जाएगी है? मतलब इन लोगों की वो मन से बनाई चुड़ैल वो आकर हमें खा जाएगी है? अरे चुड़ैल, ओ चुड़ैल कहाँ है तू है? ले यहाँ खड़ा हूँ मैं, आ मार मुझे। ए, सामने आ गई ना तो पेशाब कर देगा अंदर, निकल जा यहाँ से, मजाक मत बना। बाबा हमें सिर्फ एक रात रुकने के लिए दे दीजिए, अगर सच में इस गांव में कोई डायन है तो हम लेके जाएंगे उसे हमेशा के लिए। नहीं, कोई एक रात नहीं, अभी के अभी निकलो तुम लोग। मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं चलो यहां से। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विजय, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विजय। मैं भगाऊंगा उस डायन को, मुझ में वो शक्ति है। ए, बताओ इन लोगों को कि मुझे साथ में लेकर क्यों आए हो। ओम क्लीम क्लीम चामुंडा विजय। आज से तुम गांव वालों का दुख दूर, क्योंकि मैं उस डायन को बंदी बनाऊंगा। बाबा सिर्फ एक मौका बस। ठीक है, हम तुम लोगों को आज रात रुकने का मौका देते हैं, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। हाँ हाँ, हमें मंजूर है हमें। चलो निकलो। चलो तो अब गांव घूम लिया जाए। सही है। आप लोग देखो, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करके आता हूँ, जरा संभल कर। हाँ संभल कर। गांव को देख के लगता है कि
बहुत पुराना है। ओ दीपक, इसे देखकर तो लगता है कि यहां सच में डायन आती होगी। अबे चल 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 चल, ऐसी चीजें नहीं देखते पागल। जय, राखी, कहाँ हो यार तुम लोग? मजाक मत करो यार, कहाँ हो तुम सब लोग? बदतमीज, मेरी जान निकल गई थी। पड़ेगी अभी एक पागल गेंगा। हाँ नहीं तो यार, अरे तो रहने दे यार अब बस। बाबा, आपसे बात करनी है। मैं जानता हूं तुम लोगों को क्या बात करनी है। आओ पहले देवी के दर्शन कर ले। बाबा, आप कुछ बताने वाले थे ना? बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं, कुछ अनजाने में। मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों ने भी हिम्मत की है मगर अनजाने में। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस गांव में कई सालों से कोई नया आदमी नहीं आया। बरसों से मैंने इस मंदिर में कोई नया चेहरा नहीं दिखा। ये सब उस डायन वाली कहानी की वजह से ना? हाँ, और क्या, तो इन लोगों की मन से बनाई हुई बात है। मन से बनाई हुई नहीं है। आज तक कोई भी नया आदमी इस गांव में आया है तो बचा नहीं है। वो डायन, मैंने देखा उसे, बहुत दर्दनाक मौत देती है, बहुत दर्दनाक। पर वो ऐसा करती क्यों है? सालों पहले की कहानी है। इसी गांव में, यहां नीचे इसका घर था। नजर बुरी थी उसकी, किसी को भी नजर लगा जाती थी, खासकर बच्चों को। फिर धीरे धीरे बच्चे मरने लगे और एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसको फांसी पे लटका दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मरोगे
यही राह है, पूरे गांव को यही बताता है कि डायन आने वाली है। कैसे? इसका जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। शाम होने को है और डायन का आना आज तय है, इसलिए मैं कहता हूं तुम लोग यहीं रुक जाओ। हाँ हाँ सही है, बाबा जी एकदम ठीक कह रहे हैं। पागल हो गया है, यहां रुकने के लिए आया है, इसकी बातों में आ रहा है? अरे पर एडवेंचर चाहिए तो गांव में जाना पड़ेगा। लेकिन अब ठहरो, जाते जाते एक बात और। इस गांव में एक मंदिर ही है, जहां तुम आते हो तो जिंदा रहोगे। शुभ रात्रि। सही हो रहा है, मैं तो कहता हूं निकलते हैं यहां से। क्लीम, क्लीम, क्लीम। कहां निकलेगा अब तू? गया। इंदीम, मरना है अब तुम सबको, मरना है अब तुम सबको, अब तो मरना है तुम्हें, अब तो मरना है तुम्हें, तुम सब अपनी मौत का तमाशा देखोगे, तुम सब अपनी मौत का तमाशा देखोगे। नहीं नहीं, मैं तुम सबकी मौत का तमाशा देखूंगा, मैं तुम सबकी मौत का तमाशा देखूंगा। मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। बाहर इधर जाना है। Ha ha ha!
बाकी सब कहा है? पता नहीं। हे भगवान, क्या करें? नताशा, कुछ सुनाई दे रहे? घंटियों की आवाज। घंटियों जी ने कहा था एक ही जगह है, अगर वहां पहुंचे तो बच सकते, पर मंदिर जाने में टाइम लगेगा। पर कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें कैसे भी करके वहां जाना होगा। एक ऑप्शन है, हमें बस कार तक पहुंचना है। हाँ, कार तक, बिल्कुल। एक चाबी? मेरी चाबी? अरे, मेरी चाबी? दूसरी चाबी? जय के पास है? दूसरी चाबी जय के पास है? चलो। जय कहाँ है? खोलो। अरे खोलो, खोलो, अरे खोलो। कौन हो? सर्व
देवाबाधा प्रश्मनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद वैरी विनाशनम। मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जल्दी करो जल्दी, बस मंदिर पास में ही है। मरे नहीं तुम लोग, मरे नहीं तुम लोग, जल्द ही मरोगे। Ah!
उसने मुझे क्यों छोड़ा? Ha 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 ha!